हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्टडी बढ़िया चल रही होगी आप सब लोगों की, राइट? और अगर इसका जवाब नहीं है तो गाइस, बहुत कम दिन बाकी है, ओके? यू हैव टू फोकस नाउ. अभी नहीं किया ना तो बाद में बड़ा पछताओगे. एंड बाद में जो गिल्ट फील होता है ना कि यार कर लेते, टाइम था अपने पास, वो जो गिल्ट होता है वो बहुत ही गंदा मारता है हम लोगों को. तो इसलिए हम लोगों को वो गिल्ट के साथ नहीं करना है, हम लोगों को अभी से अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर देनी है. तो आज का जो ये सेशन है, ये थर्ड सेशन है इवोल्यूशन यूनिट से. तो इस टाइप के सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है PYQ सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के. सो उससे क्या होगा, उससे जो है हमें पता चलेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हम लोगों को क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हम भूल रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को रिवाइज करनी है, उसके बाद जो है क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम हो रहा है, कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, ओके, क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई हो रहा है, ये सब जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को PYQ देख के ही समझ में आती है. इसलिए PYQ जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. सो टेक इट सीरियसली एंड पार्टिसिपेट इन द सेशन. सो ये थर्ड सेशन होगा गाइज, इससे पहले 2 सेशन हो गए हैं. सो इफ बाई चांस आप लोगों ने देखा नहीं है तो वो जाके पहले देख लो. जैसे पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो इस सेशन में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और मैं आपके लिए उसके सॉल्यूशंस भी अच्छे से लेके आई हूँ. और जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेन हो सकता है तो मैं वहाँ पे कुछ कंसेप्ट भी आपकी क्लियर कर दूँगी. सो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, ओके? और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि यार लोगों को ना आंसर शीट में आंसर तो मिल जाते हैं, क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर सॉल्यूशन जब तक नहीं मिलता ना, तब तक की मतलब दिमाग में घुसती नहीं है वो चीज़. ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी वीडियोस देखो जहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ प्रॉपर सॉल्यूशन भी मिले. अभी कहाँ पे ढूंढें ऐसे इंसान को जो हम लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी कराए. तो गाइस, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म. मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन के साथ साथ अच्छे से सॉल्यूशन भी लेके आती हूँ. सो डोंट वरी अबाउट दैट. और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो टेंशन हो सकती है भाई लोग. सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लेना, ठीक है? आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक चीज़ ध्यान में रखनी है. क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चंस को है ना, मैं जब क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ उसके बाद जो है आप लोगों को वो क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके. ये बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं शायद. मैं क्यों वहाँ पे टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट? अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम दे दिया तो सोचो कि वो वीडियो कितनी बड़ी हो जाएगी और हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई मैं वो टाइम कट करके डायरेक्टली आपको आंसर बता देती हूँ क्वेश्चन के बाद. लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन पूरा रीड करने के बाद वीडियो पॉज करके खुद से आंसर देना है. आप खुद को एक बार चेक कर रहे हो कि अपने को आता है या नहीं, हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं. और ये सेल्फ इवैल्यूएशन है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाइस. सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इस चीज़ पे ध्यान देंगे अच्छे से. बस इतना ही प्रवचन देना था यार. सो व्हाई आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन. दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. और पहले ही मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन रीड करने के बाद यू हैव टू पॉज द वीडियो, आंसर विथ योर ओन, एंड देन यू हैव टू गो फॉर सॉल्यूशन, ओके? सो सेक्सुअल सिलेक्शन रिजल्ट्स इन अ वेरिएशन इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ मेल्स, ऑफन ड्यू टू फीमेल चॉइस विथ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप. दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन इज बिकॉज ऑफ. तो दिस आर योर 4 ऑप्शंस, वॉट विल बी द आंसर? सो अभी सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन में आप लोगों को ना हिंट पकड़ना आना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, फीमेल चॉइस विथ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप. तो यहाँ पे चूज कौन कर रहा है, फीमेल.
और वाई फीमेल इज चूजिंग बिकॉज मे बी शी हैज मोर ब्रीडिंग कॉस्ट, इसीलिए तो वो सोच समझ के मेल चूज कर रही है ना। सो दैट्स वाई आंसर विल बी टू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है भाई? द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कम्स फ्रॉम कंसिडरिंग वॉट हैपन्स वेन मेंडेलियन जीन्स एक्ट ऑन अ पॉपुलेशन। द मॉडल प्रेडिक्स दैट विल बी नो चेंज इन अ एलील फ्रिक्वेंसी वेन। अभी ये दिस आर योर फोर ऑप्शंस, व्हाट विल बी द आंसर? अगेन दिमाग दौड़ाओ, व्हाट इज द हिंट गाइज हियर? व्हाट दे आर सेइंग, नो चेंज इन अ एलील फ्रिक्वेंसी, और ऐसा कब होता है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, माइग्रेशन इनटू पॉपुलेशन। तो माइग्रेशन होगा तो कॉमन सेंस लगाओ यार, माइग्रेशन होगा मतलब एलील फ्रिक्वेंसी तो चेंज होनी ही होनी है। पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम बॉटल नेक इफेक्ट, तो ऑब्वियसली बॉटल नेक इफेक्ट में तो एलील फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। उसके बाद म्यूटेशन, यस म्यूटेशन की वजह से भी हम लोगों को पता है कि एलील फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। और फोर्थ में क्या बोला है, नो इवोल्यूशनरी प्रोसेस इज एट वर्क। सो दिस विल बी आवर आंसर गाइज, कि जहाँ पे इवोल्यूशनरी प्रोसेस होगा ही नहीं तो काहे का चेंज भाई, देर इज नो चेंज इन एलील फ्रिक्वेंसी। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूम अ मेल स्पैरो दैट इज स्पीसीज एक्स इज हैच्ड एंड रियर्ड इन अ आइसोलेशन एंड अलाउ अ क्रिटिकल इम्प्रिंटिंग पीरियड ओके टू हियर द सॉन्ग ऑफ मेल ऑफ अनदर स्पैरो विच इज स्पीसीज वाई। नाउ आफ्टर द आइसोलेशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर विल स्पीसीज एक्स शो। तो ये जो है इम्प्रिंटिंग से क्वेश्चन है, अगर थ्योरी पढ़ा होगा तो फटक से आंसर आ जाएगा। दीज आर योर फोर ऑप्शंस, व्हाट विल बी द आंसर गाइस? सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द आंसर, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इम्प्रिंटिंग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सो इम्प्रिंटिंग इज अ क्रिटिकल पीरियड इन विच द स्पेसीज लर्न। स्पेसीज मतलब आई मीन टू से जो ऑफस्प्रिंग होता है छोटू सा, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, उसमें अगर हम लोग उसको कोई चीज़ सिखा दे तो वो अपने आप सीख जाता है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने क्या किया है कि दूसरे स्पेसीज का मेल जो है उसका जो सॉन्ग है वो स्पेसीज एग्स के ऑफस्प्रिंग को जो है वो सुनाया है ड्यूरिंग इट्स क्रिटिकल इम्प्रिंटिंग पीरियड। तो उससे क्या होगा, वो जो बच्चा है छोटू सा वो भी वो सॉन्ग ही सीख लेगा, क्योंकि उसने वो सॉन्ग जो है उसके क्रिटिकल इम्प्रिंटिंग पीरियड में सीखा है, राइट? उसे थोड़ी ना पता है स्पेसीज अपनी है या कोई दूसरे की है, ही जस्ट लर्न दैट सॉन्ग। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? हम लोगों का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर वन, इट विल सिंग द सॉन्ग ऑफ स्पेसीज वाई दैट इट हैड हर्ड इन इट्स क्रिटिकल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट विद अ ब्लू कलर्ड फ्लावर्स वॉज ऑब्जर्व टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिनेटर्स, हाउएवर दीज फ्लावर्स वेर नॉट प्रोड्यूस एनी नेक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू द ऑब्जर्वेशन। सो टेल मी गाइज, वॉट विल बी द आंसर? ऑब्जर्वेशन क्या है, आप लोगों को समझ में आया ना? मतलब यहाँ पे दिया है कि ब्लू कलर के कुछ फ्लावर्स है और उनमें नेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी जो है पॉलिनेटर्स बहुत सारे पॉपुलेशन के साथ उस प्लांट पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो व्हाई दिस इज सो? तो यहाँ पे आप लोगों को एजम्पशन दिए है और आप लोगों को चूज करना है कि मतलब क्यों हो रहा है ऐसा। सो आवर आंसर विल बी, देयर कुड बी अनदर स्पेसीज इन द विसिनिटी दैट हैज ब्लू फ्लावर्स एंड इज रिच इन नेक्टर। मतलब आजू बाजू में कहाँ पे तो भी उसी टाइप का फ्लावर होगा विच इज रिच इन नेक्टर, दैट्स वाई द पॉलिनेटर्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस प्लांट, राइट? सो ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन द रैट वेन इट्स न्यूक्लियस अकम्बेंस इज एक्सपेरिमेंटली एबलेटेड। अभी एबलेटेड का मीनिंग मीन्स म्यूटेटेड और वी कैन से रिमूव्ड आउट, ओके? सो दिस आर योर ऑप्शंस गाइस, व्हाट विल बी द आंसर? सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन नंबर वन, एग्रेसिव बिहेवियर इंक्रीजेस।
Why this is so? Because nucleus accumbens is a basal part of your forebrain, which plays a central role in reward circuit. And this reward circuit is connected to the areas of a brain which control the behavior and memory. Therefore, aggressive behavior of that particular animal increases. Okay? चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं. द पिकॉक्स टेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ. व्हाट विल बी द आंसर? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सेक्सुअल सिलेक्शन. तो ये चीज हम लोगों ने हैंडीकैप थ्योरी में पढ़ी थी, राइट? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इजी वन. द फर्स्ट लिविंग बींग्स ऑन अर्थ वेयर एनएरोबिक बिकॉज ऑफ. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए है, व्हाट विल बी द आंसर? सो एनएरोबिक क्यों थे ये पूछा है ना. सो आंसर विल बी, देयर वाज नो ऑक्सीजन इन द एयर, राइट? दैट्स व्हाई दे आर एनएरोबिक. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट वन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फॉर 4 मार्क्स. सो ग्राफ इज गिवन ओवर हियर. शोन इन द ग्राफ बिलो आर द फिटनेस कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स. Behavioral phenotype PQRS given sufficient evolutionary time, which phenotype is likely to evolve as an adaptation? तो यहाँ पे हम लोगों को choose करना है, which one of the following is likely to evolve as an adaptation? Okay, तो यहाँ पे dotted line में cause दी हुई है, उसके बाद direct line जो है dark line उसमें benefit दिया है, और y एक्सिस में दिया है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, और यहाँ पे नीचे x एक्सिस में दिया है फिनोटाइप. सो देखो व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी. यहाँ पे हम लोगों को फंडा क्या यूज़ करना है, हम लोगों को जो चाहिए बेनिफिट सबसे ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को कॉस्ट पे करना जो हो पड़ेगा वो कम होना चाहिए. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यही करते हैं, हम लोग बेनिफिट ज़्यादा देखते हैं लेकिन उसके लिए जो कॉस्ट होता है वो हम लोगों को कम चाहिए होता है ना. तो ये कॉमन सा हो गया. तो यहाँ पे ग्राफ में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमें दिखा रही है कि बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है और हमें कॉस्ट जो है वो भी कम पे करना पड़ रहा है. सो आंसर विल बी क्यू फिनोटाइप में. देखिए यहाँ पे कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और बेनिफिट जो है इट इज़ हाईएस्ट, आई थिंक यस इट इज़ एट द पीक. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिएशन इन विच अ पॉपुलेशन स्प्लिट्स इनटू 2 जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस एक्सपीरियंस डिसिमिलर सिलेक्टिव प्रेशर एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट इज नोन एज. अरे बाबा रे, इससे ईजी तो क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता. यहाँ पे अगर ट्रिक्स यूज करनी है तो यहाँ पे क्या दिया है, कीवर्ड 2 जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन. और जियोग्राफिकली आइसोलेटेड मैंने बोला था, जियोग्राफिकल आइसोलेटेड जहाँ पे भी आएगा तो वहाँ पे जो है एलोपैट्रिक की बात होगी. सो आंसर विल बी 4, ऑप्शन नंबर 4, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. नेक्स्ट, क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन. दिस आर योर ऑप्शन गाइज, व्हाट विल बी द आंसर? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, सिक्वेंशियल ऑर्डर इन विच ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम अ फाइलोजेनेटिक ट्री. हियर कम्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अल्ट्रुइस्टिक एक्ट इफ अ डोनर सैक्रिफाइजेस सी ऑफस्प्रिंग विच हेल्प्स इन अ रेसिपिएंट टू गेन बी ऑफस्प्रिंग एंड द डोनर इज रिलेटेड टू द रेसिपिएंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ गामा, अंडर विच कंडीशन वुड किन सिलेक्शन फेवर दिस अल्ट्रुइस्टिक ट्रेट. सो दीज आर योर ऑप्शन गाइज, व्हाट विल बी द आंसर? फॉर्मूला पता होगा तो आंसर जो है आराम से निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे बस आर की जगह पे इन लोगों ने गामा दे दिया है. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, आर बी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0. थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो हम लोगों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, एंड हियर कम्स आवर आंसर ऑप्शन नंबर 4. चलो गाइज, फिर इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग खत्म करते हैं आज का अपना ये सेशन. अगले सेशन में और कुछ क्वेश्चन के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग. बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.